ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बड़ी खुशी की बात है और देश के अंदर अभी भी न्याय है, संविधान है, तो उसको मानना पड़ेगा। अगर संविधान नहीं होता, न्याय नहीं होता, अदालतें नहीं होती, तो शायद जिस तरह की सरकार केंद्र में चल रही है वो तो फांसी पर लटका देती है। एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने दिनों जेल में रहने का? कटु अनुभव काफी रहे, आप बीच में एक बार बाहर आए भी तो मेडिकल बाहर आए। देखिए, अनुभव तो जो है ना, ये पहले से पता था। अरविंद केजरीवाल के साथ जब स्टार्ट किया था ना, उन्होंने सबसे पहले कहा था, देखो इस देश की राजनीति को बदलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जो भी इसको कोशिश करेगा तो उसको जेल तो जाना पड़ेगा ही। तो ये काफी लगता था, पर कई बार ये भी लगता था कि यार ये सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। अब तो देश आजाद हो गया है, अब इतना वैमनस्य द्वेष इतना ज्यादा नहीं होगा। पर पता नहीं था कि भी नेता लोग इतने मन में द्वेष भर के रखते हैं। देखो, देश के लिए सब भले करने के लिए आए हैं ना, सारे जितने भी लोग हैं, पार्टियां हैं, देश का अच्छा करना चाहती हैं, तो उसके अंदर तुम हमसे अच्छा काम कर लो भाई। अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रोकने की बजाय तुम उनसे अच्छा काम कर लो भाई। जो भी अरविंद केजरीवाल ने किया तुम कॉपी कर लो, पूरे देश में कर लो। कहना हम कुछ नहीं करेंगे, पर इसको करने भी नहीं देंगे। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई ये जेल जाने के बाद ये अनुभव हुआ कि भाई कई बार सोचा कि भाई मुझे जेल भेज दिया, अरविंद जी को जेल भेजा, मनीष जी को भेज दिया, संजय सिंह को भेजा, कितने तमाम हमारे नेताओं को जेल भेजा। ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी के अंदर कि आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं? तो ये जो अनुभव है, जो सोचा वहां पे, तो ये निष्कर्ष ये निकला कि भाई इसका सिर्फ एक ही कारण है। इस देश में बहुत सारी पार्टियां बनी पर वो इन जो सो कॉल्ड बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। राजनीति जैसे चल रही थी वैसी चल रही है, तो उस तरह की चलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनके जैसे नहीं बने इसलिए फर्क पड़ता है। तो उन्होंने पूरी की पूरी जान इस बात पे लगाई कि अरविंद केजरीवाल को तोड़ दें, इस पार्टी को खत्म कर दें, किसी की तरीके से इसको खत्म किया जाए। हम सबको अरेस्ट इसलिए किया गया कि एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो आगे ना आए, उनको डराने के लिए किया। जब आपकी गिरफ्तारी हुई उस समय ये आपकारी मामला उस समय तक नहीं था, तो एक तरह से आपका सेपरेट केस था ये, जो भी बातें कही जा रही हाँ थी उसमें, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं कि क्यों, मतलब क्या लूप हो रहा है? देखो, केस के बारे में तो जब खुलेगा ना सब पता लगेगा। भाई मैं अकेला एक ऐसा आदमी हूं जिसने इलेक्शन लड़ने से पहले, मुझे टिकट मिला था 21 जुलाई 2013 में, आम आदमी पार्टी ने 2013 में 21 जुलाई को टिकट दिया था, और 31 जुलाई 10 दिन के अंदर मैंने सारे अपने बिजनेस बंद कर दिए थे, सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं दो चीजें नहीं कर सकता, पब्लिक सर्विस और अपना बिजनेस। इस देश के अंदर बहुत सारे MLA हैं, बहुत सारे MPs हैं, मंत्री हैं, जो आज भी बिजनेस करते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई MLA मंत्री नहीं बन गया था कि मेरे को कोई कंपनी छोड़, सब कुछ छोड़ दिया था मैंने। मैं अपना आर्किटेक्ट था, प्रैक्टिस करता था, वो भी बंद कर दी थी। सब कुछ त्यागने के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आए थे। जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, हाँ मैं बता देता हूँ ना, वो जो लॉन्ड्रिंग के आरोप थे, ED को 7 साल हो गए ना इनमें इंक्वायरी करते हुए, 7 साल से अभी इंक्वायरी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। 24 अगस्त 2017 को CBI ने PH दर्ज किया, 7 दिन के अंदर ED ने दर्ज कर लिया 30 अगस्त को। 7 साल अब पूरे हो चुके हैं, 7 साल से ऊपर चले गए हैं, अभी तक इनकी इंक्वायरी नहीं कर पाए हैं। अगर तुमसे इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई तो तुम करके आ रहे हो भाई? कहते नहीं यार, अरेस्ट करना था, हमने अपना काम कर लिया। उनका असली मकसद था सत्यंजन को अरेस्ट करना, सत्यंजन को जेल के अंदर रखना, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना, उनको जेल में रखना, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करना, संजय सिंह को अरेस्ट करना, वो अपना काम किया उन्होंने। आप जब जेल में थे, कई सवालों के स्वास्थ्य को लेकर कि मतलब जो जिस तरह की देखरेख होनी चाहिए, जो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी थी वो नहीं मिली, आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट की, ऑपरेशन का, वो अब देखिएगा, वो तो अब मैं उन चीजों को बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता, जिस तरह का उन्होंने कोशिश की है ठीक है। अब उनका ऐसा ही मन है, ऐसे ही लोग हैं, तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने वहां पर जैसे आप खाली चोट लगने की बात कर रहे हैं, इन्होंने सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने की कोशिश की कि कोई मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता है, तो इस तरह का। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट सबसे सीवियर पनिशमेंट कहलाती है, 15 दिन से ज्यादा ना मर्डरर्स को नहीं रखते उसके अंदर, 15 दिन से ज्यादा महीनों रखा गया सोलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर, कि किसी से बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो उन्हें तोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए,
जो भी हो सकते थे। आप जब जेल में थे, वीडियो भी सामने आया था तिहाड़ जेल से सीसीटीवी का, जिसे लेकर काफी सवाल खड़े। अच्छा चलो पहले ही बताओ, तिहाड़ जेल के अंदर कैमरे सब जगह लगे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिल रही आपको? वहां पे क्रिमिनल्स भी हैं बहुत सारे, उनकी फुटेज क्यों नहीं मिल रही? सत्यन जैन की क्यों मिली? ये कहते हैं सत्यन जैन के लिए ना, देखिएगा क्या शानदार खाना खा रहे हैं, खीरा, टमाटर, संतरा और केला, ये चार चीजें थी। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जब मैं जेल गया था मैंने एक साल तक अन्न नहीं खाया था, और वहां से खरीद के खाते थे। कैंटीन है वहां पर, कैंटीन के अंदर पैसे देके खरीद सकते हैं। आपको कहूँ तो मैं बहुत सारे बिल दिखा सकता हूँ, सारे बिल है। कहते सत्यन जैन ने पानी पिया, अरे भाई साहब खरीद के पिया, बिसलेरी का पानी वहां मिलता है सबके लिए, मेरे लिए अलग से नहीं है। सत्येंद्र जैन के देखो टीवी लगा हुआ था, अरे भाई टीवी मेरे यहाँ नहीं लगा, सबके यहाँ टीवी लगा हुआ था, अगर मेरे यहाँ लगा तो कोई अलग से नहीं था। मेरे साथ तो ये अलग से ये था कि मुझे अकेले रखा गया था, मैंने बाद में लिख के दिया उनको, डॉक्टर ने मुझे कहा भाई इनको अकेले न रखे, साथ में रख लो। कहते नहीं अकेले रखेंगे, इसको तोड़ना चाहते हैं हम। तो मेरे साथ अत्याचार किया गया। जो जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो एक अति जिसे कह सकते हैं, अरे मुझे सर्जरी हुई थी, मुझे डॉक्टर्स ने कहा था एक्सक्लूसिव बेड रेस्ट कि मेरे को कहा गया था, मुझे अस्पताल में रखना था कि वहां के स्टाफ ने बोला कि जी हम आपको ओपीडी में ना रख के, हम आपको चक्की कहते हैं, मतलब रूम को कहते हैं, वहां रख लेते हैं और फैसिलिटी वहां पे दे देंगे। मैंने कहा मुझे जब झुकना मना है, मैं कुछ उठा नहीं सकता, कम से कम एक महीने के लिए एक्सक्लूसिव बेड रेस्ट किया गया था कि एक महीने तक आपने हिलना भी नहीं है। तो उस टाइम पर मेरे पैरों में इसमें बहुत ज्यादा पेन था, तो उन्होंने अरेंज किया था। अच्छा आप कह रहे हो मसाज की बात कर रहे हैं, चलो कभी ये पूरे कपड़े पहन के मसाज होती है? आपने वो वीडियो दोबारा देख लेना, खोल के देखना। अरे भाई फिजियोथेरेपी कर रहा था वो बेचारा, कहते वो मसाज करा रहे थे। आप भी करा लो भाई ऐसे, मेरे को दिखा देना। और अगर हिम्मत है ना उस तिहाड़ जेल की, जो एक्चुअल में मसाज होती है, उनकी फोटो निकाल के दिखाओ ना, उनकी तो नहीं दिखाते। अगर आप लोगों ने, एक आदमी बीमार है, उस बीमार आदमी का इलाज ना होने देने के लिए, क्या उसको मारने की इच्छा थी क्या? मारना तो वैसे फांसी दे दो, उसके लिए तुम्हारे को कहते हैं क्या करने की जरूरत थी? तो मुझे लगता है ये इनके डर्टी पॉलिटिक्स है, गंदी पॉलिटिक्स में उतर गए। और मैं ये जानना चाहता हूं उनसे, चलो अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि ये है वो है, वो आज क्यों नहीं चला रहे थे? गुजरात इलेक्शन थे तो वो चलाना चालू कर दिया। सत्यन जैन ये खा रहा, ये नहीं बताया उन्होंने कभी टीवी पे कि सत्यन जैन ने एक साल तक खाना नहीं खाया, मेरा 40 किलो वजन कम हो गया था। एंड आई बस डॉक्टर को तो जब मैं बाहर आया था तो उनको तो ये लग रहा था पता नहीं इसको मरने आ जाए, वो तो उन्होंने कभी नहीं दिखाया, वो तो कभी नहीं बताया कि हाँ जी सत्यन मर सकता था। ये चीज बताई आपको कभी उन्होंने कि मरने वाले? पार्टी की तरफ से जब आप जेल के भीतर थे तो ये सवाल उठते रहे कि क्योंकि जेल अथॉरिटी, जो जेल का जो वहां के स्टाफ है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एलजी को रिपोर्ट करता है, केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है, तो इसलिए भी ज्यादती की जा रही है, आरोप लगाया गया। ये सबको पता है, इस बात में जाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये लोग सोचते हैं हम अत्याचार करके तोड़ लेंगे। मकसद क्या था अत्याचार करने का? मकसद क्या है? मेंटली उसको डिस्टर्ब करना, उसको तोड़ना, पर ये कर नहीं पाए। आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टूटने वाला नहीं है। इससे पहले जो हमने देखा अरविंद केजरीवाल जब बाहर है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह बाहर है, तो जिस तरह का ग्रैंड वेलकम मिला, बीजेपी कहीं ना कहीं, आज जब आप जेल में थे तब भी कई नेताओं ने कहा कि सत्यन जैन को अकेला छोड़ दिया गया है। कल आप थे वहां पे जेल में, जेल के बाहर आप देखते, सब सब थे, हजारों हमारे कार्यकर्ता थे, मनीष जी वहां पर थे, संजय सिंह थे, आतिशी जी थी, सब थे वहां पर, कितने सारे हमारे एमएलए थे, सब थे साथ में और सब साथ हैं। अभी आपकी आगे की क्या, क्योंकि चुनाव लड़ने को लेकर जो बातें, देखो मैं बताऊं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जैसे कहेगी वैसे करेंगे, और चुनाव लड़ना है न लड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जनता के लिए काम करना इम्पोर्टेंट है। आपके जो भी आपसे जुड़े लोग रहे, हमने देखा भी कि इलाके में एक्टिव रहे, आप क्या चुनावी राजनीति में फिर से लौटना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैंने बताया ना, अगर पार्टी कहती है तो लड़ना, पार्टी जो कहेगी हम ये कहेंगे, पार्टी छोटे से छोटा काम करे, बड़े से बड़ा काम करे, हम वो करेंगे जी। आप मंत्री रहते हुए कई, जो अरविंद केजरीवाल आज भी कहते हैं, कई बार जिक्र करते हैं कि जो वो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हो या कई सारे काम जो आपने शुरू किए थे, अभी के समय में कहीं ना कहीं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, जो आरोप लगते रहे कि देखो अरेस्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण था कि मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद किया जाए, उनको चलने से रोका जाए। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में 18,000 नए बेड्स बन रहे थे, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एक्सपेंशन चल रहा था ये, उनको कामों को रोका जाए, वो सफल हुए उसमें, काफी हद तक उन्होंने रोका भी। यमुना नदी को साफ कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इलेक्शन से पहले यमुना को साफ करनी है, मेरे को स्पेसिफिक ये टारगेट दिया गया था।
वो साफ ना हो पाए। मुझे तो देशद्रोह की तरह से लगेगा कि तुमने देशद्रोह किया है बीजेपी वालों ने, कि तुम जनता के सारे काम रोकना चाहते हो। पर हम कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अभी फिर से यमुना नदी की तस्वीर दिख रही, कालिंदी कुंज पे फॉग का पूरा तरह से घिरा हुआ, बीजेपी वो वीडियो निकाल रही है जिसमें आप बगल में खड़े अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 5 साल में यमुना में डुबकी लगा के दिखाएंगे। तो अच्छा, तो पता लग गया ना उसे, उसी से आपको क्लियर हो गया ना क्यों किया गिरफ्तार, कि सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करने का कारण क्या था? यही कारण था जो आपने बताया कि भाई ये काम रुकवाने हैं, अगर यमुना साफ हो गई तो बीजेपी वाले किसको शक्ल दिखाते? कोई बात नहीं, आपने डिले कर दिया ना, 1-2 साल डिले कर दिया, कर देंगे, बिल्कुल करके दिखाएंगे, यमुना भी साफ करके दिखाएंगे, सारे काम करके दिखाएंगे। आप फिर सरकार में लौटना चाहते हैं, काम करना? नहीं, हम काम करेंगे। देखो, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता सबसे ताकतवर है इस पार्टी के अंदर, हम मिलकर काम करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव था, उसका परिणाम काफी निराशाजनक रहा आम आदमी पार्टी के लिए, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। अब लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव अच्छा बीतेगा आम आदमी पार्टी के लिए? देखो, जनता को ना इस बारे में आपको समझना पड़ेगा, जनता कैसे सोचती है। लोकसभा के अंदर जनता को नहीं लग रहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्लैरिफाई नहीं था। अगर उनको लगता कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या अरविंद केजरीवाल केंद्र के अंदर बनने जा रहे हैं तो जरूर सातों की सातों सीटें दिल्ली में आती, उनको नहीं लग रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी कमी रह गई। दूसरी बात यह भी है कि देखो, प्रचार में कमी रही है हमारी, प्रचार में कमी क्यों रही, समय नहीं मिला। अगर हमें प्रचार करने देते दिल्ली की सातों सीटें आ जाती। अरविंद केजरीवाल जी को कितने 10-15-20 दिन का टाइम मिला, 15-20 दिन में लोकसभा इलेक्शन पूरा नहीं लड़ा जाता है। और यही स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की कि सबको अंदर कर दो ताकि सीटें कमाए। आप जब बाहर थे, एक तरह से अरविंद केजरीवाल आपके नेता रहे, आज भी हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे लेकिन थे तब, आप जब बाहर निकले तो मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री होना या ना होना बहुत बड़ी बात है? अरविंद केजरीवाल जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं और काम करने के लिए हैं। लीडर इज नॉट फॉर टू लीड, लीडर टू डू समथिंग, जनता के लिए काम करने के लिए हैं वो, हमारे हम मानते हैं। तो मुख्यमंत्री होना या ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से मुख्यमंत्री बिल्कुल बनेंगे, जनता चाहती है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, जनता चाहती है और जनता ने कहा है कि हम आपको बनाए। अरविंद केजरीवाल ने देखो क्या कहा है कि अगर जनता मुझे चुन के लाएगी दोबारा तब सीट पर बैठूंगा। ये आरोप रोज लगाते हैं बीजेपी वाले, कहते हैं कोई बात नहीं, हम जनता की अदालत में जाते हैं, जनता करेगी फैसला। कल आपकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से, क्या कुछ बातचीत थी जेल से आने के बाद? काफी बातें हुई और नहीं, हम लड़ेंगे, पूरा रिजॉल्व है, पीछे नहीं हटेंगे किसी भी तरीके से। उन्होंने कुछ जिम्मेदारी को लेकर कहा कि आप काम को लेकर या चुनाव को लेकर? नहीं, अभी चुनाव, आपको लगता है चुनाव बहुत बड़ी चीज है? चुनाव तो इसके एक पार्ट है, चुनाव सब कुछ नहीं है। हम देखो, हम राजनीति को बदलने आए हैं और यही एक सबसे बड़ा कारण है। हम खुद बदलने नहीं आए, ये भी बता दो। कई लोग हमसे कहते हैं ये तो बहुत अड़ियल लोग हैं, इनको इतना टॉर्चर कर लिया फिर भी नहीं बदले। कई लोग कहते हैं अरे जैन साहब क्या चक्रों में पड़े हो, मर जाते तो क्या होता, बीजेपी में चले जाते। क्यों चले जाते? जो गए तो कहते हैं, देखो बाकी को देखो ना, जो बीजेपी में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कोई डिप्टी सीएम बन जाते हैं, कोई ये बन जाते हैं, कोई वो बन जाते हैं। मैंने वो बनने आए थे, उनके लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने जनता के लिए किया था। आज तक बीजेपी का एक नेता बताना जो अपना सब कुछ छोड़ के इलेक्शन लड़ने आया हूं। मैं सत्येंद्र जैन आपके सामने बैठा हूं, सब कुछ छोड़ा था मैंने। जिस घर में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं 45 ईयर से इसी घर में रहते हैं, 45 साल हो गए रहते हुए इस घर के अंदर, मेरे फादर ने घर बनाया था, यहीं पे हम रहते हैं। एक अंतिम सवाल सर, प्रदूषण को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी सरकार के, 10 साल से आप शासन में है लेकिन इस समय हर साल स्थिति गड़बड़ हो जाती है। देखो फिर वही वाली बात, मैं फिर से क्या कहूंगा, सबको उठा उठा के अंदर इसलिए तो किया था इन्होंने कि जब इलेक्शन आएगा तब हम गए देखो ये रह गया, अरे ये पूरा नहीं हुआ, ये कम हो गया, इसीलिए किया था। एग्जैक्टली यही कारण था। अरे भाई तुम्हें हमसे अच्छा काम करते है ना, किसने रोका था तुम्हारे को? बीजेपी हमसे अच्छा काम करती। चलो मैं एक चीज बताता हूं, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी की सरकार ने एक योजना लागू की कि दिल्ली की सड़कों पे किसी का भी एक्सीडेंट होगा तो उसका इलाज दिल्ली सरकार करे, किसी से अस्पताल में चले जाओ, अपोलो चले जाओ, मैक्स चले जाओ, 40 चलाओ, सारा खर्चा सरकार देगी। कोई बुराई तो नहीं थी, अच्छी स्कीम थी। अरे पूरे देश में कॉपी कर लेते, इसमें क्या बुराई थी? कहते हम कॉपी नहीं करें, सत्येंद्र जैन को अंदर करेंगे। कहते बड़ा दिमाग लगाते हो, तो ये काम कर रहे हैं। अरे यार हम देश के लिए करने आए थे, हमारे कोई अपने बच्चों के नाम नहीं खाने। मैं गारंटी कहता हूं हमारी पार्टी के अंदर जितने भी टॉप लीडरशिप है किसी का बच्चा पॉलिटिक्स में नहीं आया। हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे, पागलपना था कि देश को कुछ करके दिखाना है, देश के अंदर कुछ करके दिखाना है, और है अभी भी वो पागलपना, पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे और करके दिखाएंगे।